अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के लिविंग कॉस्ट के बारे में। अगर आप ब्राज़ील जाते हो ट्रैवल के लिए या बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं या आप वहाँ पे जॉब आपको मिलती है तो आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी होंगे, आपको पर महीने कितना ख़र्चा करना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे एकोमोडेशन का। अगर आपने वहाँ पे घर लेना है, होटल में रहना है, तो होटल्स तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ते हैं। होटल में अगर आप रहते हैं तो आपको तकरीबन पर नाइट अच्छे रीज़नेबल होटल में आपको 150 से लेके 200 ब्राज़ीलियन रियाल तक देने पड़ते हैं। और आजकल मार्च में एक ब्राज़ीलियन रियाल जो है वो 57 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग ख़ुद अपना कैलकुलेशन फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो रिपब्लिका में रहे। रिपब्लिका हॉस्टल टाइप घर होते हैं जिस जहाँ पे शेयर्ड बेसिस पे लोग रहते हैं। घर एक होता है, रूम अलग अलग होते हैं, और ये सबसे चीपेस्ट है, सबसे अरजान एकोमोडेशन यही है, जिसमें आपको पर महीने 300 ब्राज़ीलियन रियाल तक, मतलब पाकिस्तानी 15,000 रुपये तक आपको किराया देना पड़ता है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है वो है, उसको किचनेची बोलते हैं। वो एक सिंपल अपार्टमेंट होता है जिसमें एक रूम होता है, एक किचन और एक वॉशरूम, मतलब बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो इसमें पूरी हो जाती हैं। और एक किचनेची जो है वो तकरीबन 400 ब्राज़ीलियन रियाल में मिल जाता है। 50 रुपये के हिसाब से अगर हम सिंपल करें तो आपको तकरीबन पाकिस्तानी 20,000 रुपये किराया देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की जगह पर रहना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग से घर और अपार्टमेंट मिल जाते हैं, जो कि 700 से लेकर 800 से तक आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, और 1,000 ब्राज़ीलियन रियाल में आपको घर भी मिल जाता है, जिसमें आपके पास ज़्यादा स्पेस होता है, ज़्यादा रूम्स होते हैं और आप कम्फर्टेबली रह सकते हैं। तो अपार्टमेंट वाला ऑप्शन जो है ये तकरीबन दरमियाना ऑप्शन है, और इसमें आपको देने पड़ते हैं तकरीबन 800 ब्राज़ीलियन रियाल, जो कि पाकिस्तानी 40,000 रुपये बनते हैं। ये तो हो गई एकोमोडेशन की बात। अब नेक्स्ट है फूड का। तो फूड अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं वो तो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर आप घर पे खाना बनाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता, और आपका तकरीबन 800 से लेकर 1,000 ब्राज़ीलियन रियाल तक उसमें अच्छा खासा आप टाइम गुजार सकते हैं। मैं कहूँगा अगर आप घर पे खाना बनाते हो तो आपको तकरीबन 800 ब्राज़ीलियन रियाल चाहिए होंगे इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे खाने की चीज़ें सस्ती हैं। आप बाज़ार जाते हो तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी मिल जाती है, हर तरह के फ्रूट्स मिल जाते हैं, और मज़े की बात है कि हर तरह की सब्ज़ी और हर तरह का फ्रूट आपको हर सीज़न में मिलेगा। तो ये नहीं है, सीजनल नहीं है वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे आपको सारे किस्म की सब्ज़ी और फ्रूट्स हर टाइम में मिल जाते हैं। अगर चीज़ों की कीमत की बात करें, मतलब फूड आइटम्स की, तो आपको पानी का बॉटल जो है, जो स्मॉल बॉटल है, वो आपको 3 रियाल का मिल जाता है। पेप्सी की बॉटल आपको, जो कैन है 250 ml, वो आपको तकरीबन 4 ब्राज़ीलियन रियाल में मिल जाता है। इस तरह अगर आपने मिल्क लेना हो तो 1 लीटर मिल्क का पैक आपको तकरीबन आजकल 9 से 10 ब्राज़ीलियन रियाल तक मिल जाता है। और 1 किलो राइस अगर आपने लेने हैं तो 1 किलो राइस का प्राइस है तकरीबन 12 ब्राज़ीलियन रियाल। तो इस हिसाब से देखिए, तो अगर आप घर पे खाना बनाते हो तो आपको 600 से लेकर 800 ब्राज़ीलियन रियाल खाने का ख़र्चा आता है आपका महीने का। इसके बाद यूटिलिटीज़ की तरफ आते हैं, फिक्स बिल्स जो आपने देने पड़ते हैं। तो अगर आप घर में इंटरनेट लगवाते हो तो इंटरनेट का पर मंथ जो पैकेज है 15 से लेकर 20 MB तक अगर आप इंटरनेट लगाते हो तो आपको 80 ब्राज़ीलियन रियाल पर मंथ आपका खर्चा आता है उसका। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो भी 60-80 ब्राज़ीलियन रियाल आता है महीने का खर्चा। इसके बाद बात रह जाती है हेल्थ की। तो हेल्थ सिस्टम वहाँ पे फ्री है, अगर आप ब्राज़ीलियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो फ्री है, अगरचि उसमें स्पेशलिस्ट तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट एनीवे इट्स फ्री। और अगर आप प्राइवेटली जाते हैं तो फिर वो एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब एक दफ़ा आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो प्राइवेट डॉक्टर के साथ, तो आपको 400 ब्राज़ीलियन रियाल देने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 रुपये बनते हैं।
तो आपके पास ऑप्शन है, बट यूजुअली पीपल प्रेफर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो इस हिसाब से देखिए तो ब्राज़ील में खाने का खर्चा और यूटिलिटीज़, फिक्स यूटिलिटीज़ जो है, बिल्स और घर के किराया का सारा मिला के आपको तकरीबन 1400 से लेकर 1500 ब्राज़ीलियन रियाल में महीना गुजर जाता है। अब इस 1400 को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी रुपए बनता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि ब्राज़ील में अगर आपने एक महीना गुजारना है तो अगर आप ट्रेवल के लिए जा रहे हो तो आपके पास तकरीबन 70 से लेकर 1 लाख तक पर महीने का खर्चा होना चाहिए पाकिस्तानी रुपया में ना, वहाँ पे एक महीना गुजारने के लिए। आप वहाँ पे जॉब के लिए जाते हो तो अगर आपकी सैलरी जो है आपको 1400 तकरीबन अपने रहने के लिए, अगर आप एवरेज लाइफ गुजार रहे हो, थोड़ी सी अच्छी बहुत कसम पुरसी की ज़िंदगी नहीं, तो आपका 1400 ब्राज़ीलियन रियाल खर्चा आता है। तो आपकी सैलरी इससे एटलीस्ट डबल होनी चाहिए। और 1400 जो है ये ब्राज़ील में मिनिमम वेज भी है, जो लेबर वेजेस हैं वो मिनिमम 1400 है आजकल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा ब्राज़ील में लिविंग कॉस्ट के बारे में। कोई और कमेंट्स हो आपके, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।